हेलो गाइस, एक्सप्लोरिंग फॉर पीस चैनल पे आपका स्वागत है। मोटो ब्लॉगर हूँ एंड ट्रैवल ब्लॉगर हूँ। इसके अलावा टेक्निकल ब्लॉग्स बनाता हूँ। आज काफ़ी टाइम से, बहुत टाइम से सोच रहा था कि मैं अनबॉक्सिंग वीडियो करूँ। एक्चुअली बहुत सारा चीज़ों जो भी मैंने खरीदा है सबका अनबॉक्सिंग का वीडियो है मेरे पास, लेकिन एकदम कॉमन हो गया है अभी सब लोगों का अनबॉक्सिंग पड़ा। सोचा चलो ठीक है, ट्राई करते करके मैंने ये बार फाइनली ब्लॉग में कर रहा हूँ। इतना टाइम तक अनबॉक्सिंग का वीडियोज रहता है मेरे पास, लेकिन मैंने कभी ब्लॉग नहीं किया उसका। चलो आज अनबॉक्सिंग कर रहे हैं। मेरा विशलिस्ट वाला प्रोडक्ट है। ये विशलिस्ट में मेरे पिछले करीब करीब साल भर से है। जैसा ये लॉन्च हुआ था ये प्रोडक्ट, उस टाइम से मेरे विशलिस्ट में पड़ा था, लेकिन बजट नहीं परमिट कर रहा था, क्योंकि एक चीज़ होता है फिर दूसरा चीज़ ले लेते हैं, तो वो सब चीज़ों के पीछे मुझे बजट नहीं बन रहा था। तो अभी खुला, अभी हाई टाइम हो गया, क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट है। वीडियो रिकॉर्डिंग एंड ब्लॉगिंग करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट तीन चीज़ होते हैं। सबसे पहला जो बेस प्रोडक्ट है वो है कंटेंट, सेकेंड वीडियो क्वालिटी, एंड थर्ड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज द ऑडियो क्वालिटी। काफ़ी लोग होते हैं कि हाँ, वीडियो ऑन कर लेते, साइड कर देते, खाली ऑडियो सुनते, तो ये उन लोगों को रिलेट कर पाएंगे कि ऑडियो का क्वालिटी कैसा इम्पोर्टेंट होता है। तो ये चीज़ पे अभी आप लोग समझ सकते हैं कि मेरा अनबॉक्सिंग का प्रोडक्ट क्या होगा। मेरा प्रोडक्ट है माइक्रोफोन। अब मेरे पास व्लॉगिंग चालू करके रफली एक डेढ़ साल हो गया, एंड मेरे पास काफ़ी सारे माइक्रोफोन्स ले लिए मैंने। ये जैसा कि आप लोग देख सकते, ये मेरा जूम H1N, ये एक माइक्रोफोन है मेरे पास। ये वॉइस रिकॉर्डर है एक्चुअली, अभी इसमें से भी ऑडियो कैच हो रहा है यहाँ पे। अगर उसका कुछ ट्रबल रहेगा तो वो ये आप पे से ले लेगा। तो बेसिकली ये माइक्रोफोन है। इसके अलावा जो अभी मेरे फुल फ्रेम पे लगा हुआ है रोड का वीडियो माइक गो, जो सादा कैमरा आता है 6000 रुपये का, वो है। ये भी करीब मैंने 9-10 हज़ार में ख़रीदा था। तो अब अनबॉक्सिंग करते हैं द स्पेशल प्रोडक्ट, दैट इज रोड वायरलेस गो। चलो अभी हम लोग हेड कैमरा पे मूव ऑन करते हैं। ये प्रोडक्ट मैंने परचेज किया था अमेजोन से। ये देख लो, ये कोई पेड स्पॉन्सरशिप या कुछ नहीं है, ये खरीदा हुआ है। ये देखो, तो अब चलते हैं अनबॉक्सिंग की तरफ। अनबॉक्सिंग करने के लिए एक्चुअली ये प्रोडक्ट का ताली बॉल बजा रहा है। अनबॉक्सिंग करने के लिए ये प्रोडक्ट एक्चुअली मार्केट में बहुत लोग यूज़ कर रहे हैं आज के दिन में। जब भी मैंने इसके बारे में रिव्यू पढ़ा था, उस टाइम पे बहुत मुश्किल से 4-5 लोग यूज़ कर रहे थे, और लॉन्च हुआ था वही प्राइस में। आज भी अभी मालूम पड़ा कि रोड वायरलेस गो का कॉस्ट बढ़ गया है। MRP कुछ 25,000 के रेंज में गया है ऐसा मेरे को सुनने में आया था, मालूम नहीं आया। इधर अभी 21,950 लिखा हुआ है। बीच में मेरे दोस्त से 16,500 रुपीज़ में उसको होम डिलीवरी मिला था ये प्रोडक्ट का, लेकिन कुछ इशू मेरे को बॉम्बे से यहाँ पे डिलीवरी पॉसिबल नहीं था, तो अमेजोन पे हो रहा था, थोड़ा महंगा पड़ा, लेकिन चलता है। अच्छा चीज़ का वैल्यू अच्छा होता है, ठीक है। चलो अभी अनबॉक्स करते हैं हमारा। अभी मैं तो कोई स्पेशल अनबॉक्सिंग करने वाला या टेक्निकल आदमी तो हूँ नहीं, लेकिन टेक्निकल नॉलेज बहुत अच्छे से रखता हूँ। जो चीज़ों का मैं काम करता हूँ उसके बारे में नॉलेज रखता हूँ, उससे ज़्यादा नहीं रखता। एंड तो अपने पास स्पेशल नाइफ कुछ नहीं है, सादा नाइफ है। सादा नाइफ से अनबॉक्सिंग करते हैं रोड वायरलेस गो। अच्छा, ये प्रोडक्ट का खासियत क्या क्या है बोलेगा तो, ये दो ट्रांसमीटर आता है इसमें। आप अगर देखोगे ये दो ट्रांसमीटर रहता है इसके ऊपर। एक ट्रांसमीटर ये अपने कैमरा के ऊपर चला जाएगा, और ये मेरे शर्ट पे या मेरे हाथ में होगा ये डिवाइस। ये चीज़ से क्या होता है कि अपने को इसमें अप टू ये काफ़ी लोगों ने टेस्ट किया, मेरे दोस्त ने भी टेस्ट करके बोला कि अप टू 250 मीटर्स तो बहुत अच्छा साउंड क्वालिटी देता है। तो कैमरा तो इतना दूर तो कोई रखता नहीं, तो भी
कैमरा का ऑडियो क्वालिटी बहुत अच्छा होने वाला है ये प्रोडक्ट से। ये प्रोडक्ट का प्रोडक्ट में इनबिल्ट बैटरी है और इसके साथ में क्या क्या आता है वो मैं बताता हूँ। एक ट्रांसमीटर रिसीवर आता है, दो डेड कैट्स आते हैं, फर बोलते हैं यहाँ पे, इन्होंने फर विंडशील्ड लिखा है। उसके अलावा दो USB टाइप सी केबल आया हुआ है एंड SC केबल जो चार ऑडियो ट्रांसमिशन के लिए रोड के साथ आता है वो केबल, एक पाउच है। इसके अंदर का फीचर्स जहाँ पे लिखा हुआ है वहीं पे स्टिकर लगा दिया है तो मैं वो पढ़ नहीं पाऊँगा। एंड इसके हिसाब से सीरीज 3 2.4 GHz का डिजिटल ट्रांसमिशन है, ऑल इन वन माइक्रोफोन एंड लो और ले बेल्ट पैक, तो रीड नहीं हो रहा है एक्चुअली, वहाँ पे स्टिकर लगा हुआ है, ये देखो स्टिकर लगा होने की वजह से वो पढ़ने नहीं हो रहा है। तो भी मैं इसका डिटेल में साइड पर बैटरी बैकअप लिखा हुआ है एंड बस इतना ही पढ़ने को हो रहा है, उससे ज़्यादा पढ़ने। चलो ज़्यादा बातचीत नहीं करते, आप प्रोडक्ट को अनबॉक्स करते। अनबॉक्स करने का कैसा, ये प्रोडक्ट को अनबॉक्स करने के लिए हमको नीचे से काटना पड़ेगा ये। थोड़ा मुश्किल है। ये आया हमारा रोड वायरलेस गो। अब ये पूरा सील्ड पैक है, अमेजोन से आता हर प्रोडक्ट फॉल्टी नहीं होता। मेरे को आज तक अमेजोन से कोई भी बैड रिजल्ट नहीं फील हुआ है, अमेजोन पे टाइम पे अच्छा चीज़ें मिला है मेरे को। अब इसको खोलने के लिए हमें यहाँ पे इसको फाड़ना है, बहुत सिंपल फंडा है, इसको हमने फाड़ दिया, ये ढक्कन खुल गया। इसके साथ एज यूजुअल पहले क्विक स्टार्टर गाइड दिया हुआ है एंड द बॉक्स ऑफ हैप्पीनेस एज ओपन्ड। इसके अंदर है दो, चलो हम इसे पलटी करके देखते हैं क्या क्या है इसके अंदर। हाँ, बॉक्स खाली। इसके अंदर आया, हम उल्टा चालू करते, सब लोग सीधा अनबॉक्स करते हैं, हम उल्टा अनबॉक्स करते। इसके साथ आया हुआ है एक अच्छा सा एक पाउच आया हुआ है जिसमें मैं ये ट्रांसमीटर और माइक्रोफोन को संभाल के किधर भी लेके जा सकता है, ठीक है। उसके अलावा अभी इसके साथ क्या क्या आया है, दो डेड कैट्स आए हुए हैं, काफ़ी अच्छा क्वालिटी रहेगा, रोड का है, लास्ट टाइम भी रोड का लिया है, बहुत अच्छा है डेड कैट, लेकिन वीडियो प्रो का जो डेड कैट है ऐसा घूमते रहते एकदम लूज है, ये भी ऐसी छोटा सा है, बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे रेगुलेटरी एंड सेफ्टी गाइड है, इंस्ट्रक्शन मैनुअल है इन शॉर्ट में। इसके अलावा इसके साथ सिलिका जेल आया हुआ है मॉइस्चर नहीं पकड़ने का, माइक्रोफोन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है मॉइस्चर फ्री मेंटेन करना। अभी आप लोग अगर देखोगे मेरे ये लेफ्ट साइड में आपको एक्चुअली नहीं दिखाई देगा क्योंकि जूम ज़्यादा रखा हुआ है, तो मेरे लेफ्ट साइड में मैं ड्राई कैबिनेट रखता हूँ, उसमें माइक्रोफोन्स ये सब चीज़ को कैमरा माइक्रोफोन्स लेंसेस सारे चीज़ उसके अंदर रहता है। ये सारा चीज़ उसके अंदर रखने का रीज़न ये है कि इसके अंदर मॉइस्चर फ्री रहना चाहिए, मॉइस्चर अगर जमने के बाद में वो फंगल जमा हो जाता है, उसके बाद में बहुत फंगल जमा होने के बाद फ़ोटो भी बहुत ख़राब आता है, ऑडियो क्वालिटी में भी इशू आता है, सब कुछ इशू होता है। ये इसके साथ में SC वायर आया हुआ है, ठीक है। अभी इसके सबके अलावा इसके साथ आया हुआ है ये बॉक्स में दो केबल टाइप सी का, दो केबल ये दोनों डिवाइसेस को चार्ज करने के लिए, और ये आया हमारी महंगी चीज़ बाहर ट्रांसमीटर्स। अब इसका जो एग्जिस्टिंग साउंड क्वालिटी है ये अभी ये चीज़ को पहला मेरे को चार्ज करके देखना पड़ेगा कि ये ऑन है या क्या है, उसके बाद मैं वापस मिलता हूँ। तो पावर ऑन करने के लिए हमें ये जो बटन है ये बटन को जूम 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 फोकस कर ले भाई, फोकस कर ले, क्यों कर रहा है ऐसा। हाँ, ये जो बटन है इसे दबाना है, इसको दबा के अगर हम पकड़ेंगे तो हमको इसका डिस्प्ले आ जाएगा। अभी डिस्प्ले आते ही उसमें लिखा हुआ है था रोड वायरलेस गो, अभी ये ऑन हो गया है लेकिन इसका बैटरी डाउन है, तो हम थोड़ा ट्रायल मार के देखेंगे।
देखेंगे। चलो ओके है, अभी थोड़ा बैटरी है, हम देख लेते हैं इसको चला के। सो अभी ऑडियो क्वालिटी कैसा चेक करेंगे हम, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अभी इसके अंदर थोड़ा सा ही बैटरी है, अगर आप देख सकते हैं, देखो लाल में ब्लिंक हो रहा है, यहाँ पे से जो बात होते ही वो ऑडियो भी फुल पे जा रहा है। हम इसके लिए पहला इसको डेड कैट लगा देंगे। डेड कैट लगाने के लिए ये वाइट पिन है, इसको ऐसे लगा देना है। हो गया, डेड कैट लग गया। अब इसके ऑडियो इनपुट को, ऑडियो का आउटपुट हमको कैमरा में लगाना है। अब मैं दूसरे कैमरा पे लगाऊंगा और हम चेंज करेंगे हमारा ऑडियो क्वालिटी अभी। सो अब एडिटिंग कर रहा था रोड वायरलेस गो का वीडियो, तो वो एडिटिंग करते समय मैंने देखा कि मैंने ऑडियो क्वालिटी जो इनपुट दिया था वो गलत दिया था, वो लास्ट में देख लिया था मैंने तो, लेकिन मैं बोला जब एडिट करूँगा उसको मैं वापस शूट करके डाल दूँगा। तो अब जो मेरा ये सेटअप चल रहा है, ये चल रहा है, अब जो सेटअप मेरा शूट हो रहा है, इस ये मेरा लगा हुआ है कैनन नियोस आरपी, ये लगा हुआ है माइक्रोफोन का पोर्ट का। पहले मैंने शूट करते समय गलती से ये हेडफोन जैक पे लगा दिया था, वो एक्चुअली थोड़ा घाई घाई में हो गया था, तो अभी ये प्रॉपर माइक पोर्ट पे लग गया है। और ये रोड का मेरा नॉर्मल वाला माइक्रोफोन है, रोड वीडियो गो या वीडियो प्रो कुछ है, ये वो है। हाय दिख रहे हैं? हाँ। सो अभी मैं जो बोलने वाला हूँ उससे कोई मायने नहीं रखना, ये चीज़ इतना ही है, खाली ऑडियो टेस्ट के लिए है, बाकी कुछ नहीं। सो अब जो डिस्टेंस, आप जो ये एग्जिस्टिंग सेटअप मेरा जो था उसको, उसके ऊपर जो रोड माइक लगा हुआ है वो दो करीब 1 से 1.5 मीटर का दूरी है, दो नहीं 1 से 1.5 मीटर का दूरी पे है। तो अब हम स्विच करते हैं मेरे रोड वायरलेस गो पे और उसके बाद आपको मैं दिखाता हूँ क्वालिटी, ऑडियो टेस्ट दिखाता हूँ। सो अब करीब सेम डिस्टेंस है, अब आपको सेटअप में फ़र्क दिखाई देगा। अब ये देखो यहाँ पे लग गया है रोड का वायरलेस गो का ट्रांसमीटर, यहाँ पे लगा हुआ है रिसीवर, वहाँ पे लगा हुआ है ट्रांसमीटर, मेरे यहाँ पे लगा हुआ है। अब ये जो साउंड क्वालिटी आपको सुनाई दे रहा है ये फुल वॉल्यूम पे। अब हम इसको यहाँ पे इसका वॉल्यूम थोड़ा रिड्यूस करते हैं, ये देखिए अभी ये मिनिमम वॉइस पे है। अब मेरा डिस्टेंस कोई इंपॉर्टेंस नहीं रोल प्ले करेगा, क्योंकि मैंने अभी वो वायरलेस ट्रांसमीटर लगाया, तो मैं जहाँ पे भी रुकूँ मेरा वॉइस सेम क्वालिटी में आने वाला है, मतलब वॉइस का कोई इशू नहीं आने वाला, स्केच उतना ही होने वाला है। अब जो आपने सुना वो मिनिमम वॉल्यूम पे था, अब मैं उसे शिफ्ट करता हूँ मीडियम वॉल्यूम पे, शिफ्ट कर दिया अभी उसको, पहले लो पे था। अब जो ऑडियो क्वालिटी में क्या फर्क है, अब आप लोग देखो सुनो और महसूस करो कि कितना फर्क आया हुआ है। एंड वापस एक बार अभी फुल वॉल्यूम पे हम उसे एक बार सुन लेते हैं, फुल वॉल्यूम पे कैसा इफेक्ट आ रहा है, एंड अब एडिटिंग करके वीडियो कंप्लीट करते हैं, अपलोड करता हूँ। स्ट्रीम क्वालिटी साउंड का डिफरेंस आएगा। अब रेगुलरली लोग इसे कैसा वापरते, अभी नॉर्मली शर्ट होता है तो हम लोग वहाँ लगा सकते हैं, अब ये यहाँ पे लग गया है। अब मुझे काफ़ी डिस्टेंस से बात करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, साउंड क्वालिटी का इशू नहीं आने वाला है, कुछ नहीं आने वाला है। तो अब हम इसके अनबॉक्सिंग यहाँ पे ख़त्म करते हैं। अनबॉक्सिंग का पहला वीडियो था ये मेरा, अगर आपको पसंद आए लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और आने वाले व्लॉग्स में आपको जो ऑडियो क्वालिटी सुनाई देगा वो ये रोड वायरलेस गो से ही होने वाला है। मेरे दोस्त ने इसका एक ट्रायल मारा हुआ है ऑलरेडी ये चीज़ का, उसके वीडियो उसके व्लॉग में अपलोड होने वाले आने वाले 3-4 दिन में, पता नहीं होता, मेरे से काफ़ी पहले शूट किया लेकिन उसको टाइम नहीं है करके नहीं। उसने क्या किया, वो घर गले में चेन पहनता है, तो हम लोग सब चेन पहनते गले में, तो ये जो क्लिप है उस पर लटका दिया और वॉइस का कैच करके चेक किया, ये लेवल पे शर्ट के अंदर भी अच्छा वॉइस आ रहा था, तो वो बोला कि वो ऑडियो क्वालिटी का उसको अभी डर रहा नहीं है। चलो ठीक है, अब
इसे खत्म करते, एडिटिंग करते और अपलोड करते। आप लोग वीडियो कैसा लगा उसे मुझे कमेंट में बताना, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करने नहीं भूलना।